हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए मैं कौन सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये है गाजर के हलवे की रेसिपी, जो कि सभी की पसंदीदा रेसिपी होती है। और सर्दियों का मौसम चल रहा है और गाजर का हलवा ना बने, हर घर घर में गाजर का हलवा बनता है। तो चलिए अब झटपट से बनाना शुरू करते हैं गाजर के हलवे की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चटोरी मोना के किचन में। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें सबसे पहले गाजर चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 किलो गाजर को सफ़ा करके धो करके रख दिया है। और आज मैं जो गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इसको बिना रहते और घंटों मेहनत किए आप इसे मिनटों में बना करके तैयार कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे गाजर जो लिया है उसे साफ़ करके अच्छे तरीके से रख लिया है। उसे महीन महीन नहीं चॉप्ड करने के बजाय मैंने यहाँ पे रफली चॉप्ड किया है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये इस तरीके से कैसे गाजर के हलवे की रेसिपी बन सकती है। हलवे बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक कुकर हैवी बॉटम का। तो उसी में मैंने यहाँ पर देसी घी डाल दिया है। मैंने यहाँ पे काफ़ी मात्रा में देसी घी डाला है और उसमें मैंने जो यहाँ चॉप्ड करके रखा था गाजर, उसे भी मैं इसमें डाल दूँगी। सारे कटे हुए गाजर को आप इसमें डाल दीजिए और थोड़ा सा चला दीजिए, आप इसे ऊपर नीचे कर दीजिए और फिर इसे कुकर के लेड लगा करके सीटी आने तक पकाइए। और लीजिए, मैंने यहाँ पे 2-3 सीटी के बाद इसे खोला है। यहाँ पे गाजर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे थोड़ा चला लूँगी और फिर इसे थोड़ा मैश कर दूँगी। मैं इस मैशर से आप इसे इस तरीके से मैश करिए और अच्छे तरीके से सारे गाजर को आप मैश करिए। मैंने मैशर से सारे गाजर को मैश कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ा अच्छे तरीके से भून लूँगी और जो पलटे की सहायता से भी इसे अच्छे से कूच लूँगी, ताकि जितने लंबे लंबे अगर गाजर होंगे पार्ट्स, तो वो भी अच्छे तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। इस तरीके से चलाते हुए आप इसे अच्छे तरीके से भून लीजिए। ये देखिए, हमारे गाजर के हलवे बनाने के लिए ये पूरे अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से आप झटपट से गाजर का हलवा रेडी कर सकते हैं बिना घंटों मेहनत किए हुए। अब जब भी कोई मेहमान आए तो आप झटपट से बना दीजिएगा 10 मिनट में गाजर का हलवा। ये भून चुका था तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया है 1/2 लीटर के बराबर। उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाल दिया है और चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं इसमें चीनी, लाइट या डार्क आपको जैसे भी पसंद है आप इसमें ऐड कर दीजिए चीनी को। क्योंकि मैं अभी इसमें थोड़ा चीनी डाली हूँ, क्योंकि मैं इसमें बाद में मिलाऊंगी मिल्क मेड कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप कंडेंस मिल्क ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आप शुगर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। फिर आप इसे इस तरीके से चलाते हुए अच्छा से भून लीजिए गाजर का हलवा। जब तक भुनाएगा नहीं तब तक इसका अच्छा टेस्ट आता नहीं है। तो अच्छे तरीके से आप इसे भूनते रहिए। कुछ देर भूनने के बाद जब इसका पानी सूख जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क पाउडर, क्योंकि यहाँ मैंने खोवा का यूज़ नहीं किया है। यहाँ मैंने यूज़ किया कंडेंस मिल्क और मिल्क पाउडर का, जिससे आपको खोया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास खोवा नहीं होता है तो हम लोग फिर सोचते हैं कि किस तरीके से गाजर का हलवा बनाया जाए। तो यहाँ पर मैंने आपके एक मुश्किल तो आसान कर दी है और दूसरा सीक्रेट है कि मैंने यहाँ पर ये कंडेंस मिल्क भी ऐड कर दिया है। इसके सहायता से अगर आप खोवा नहीं भी यूज़ करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी खोवा की। और ये गाजर का हलवा इतना सुपर टेस्टी डिलीशियस बन करके तैयार होगा कि आप यकीन ही नहीं मानेंगे कि ये बिना मावा खोवा के बन करके तैयार हुआ है। और आप इस तरीके की रेसिपी मेरे YouTube चैनल पर ज़रूर पाएंगे, एकदम सिंपल और इजी तरीके से बनाई हुई रेसिपी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमारा जो हलवा था वो भून करके तैयार हो चुका है, तो मैं अब इसे गार्निशिंग की तैयारी करती हूँ। गार्निशिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है और उसमें मैंने यहाँ पर डाल दिया है कैश्यू नट और उसमें मैंने ऐड कर दिया उसमें देसी घी। और इसको ध्यान दीजिए कि आप जब इसे भूनें तो ये हल्के एकदम धीमी आंच पे भूनना चाहिए, नहीं तो कैश्यू नट जल सकते हैं। आप इसे एकदम धीमी आंच पे चलाते हुए भूनते रहें और जब गोल्डन ब्राउन का हो जाएगा तब आप इसे हटा देंगे गैस के ऊपर से और फटाफट से मारेंगे तड़का गाजर के हलवे के ऊपर। और इस तरीके से देखिए कितना लाजवाब लग रहा है देखने में, तो खाने में कितना यम्मी टेस्टी होगा। तो ये लीजिए, बन करके तैयार हो गया ये गाजर का हलवा। मैंने तो यहाँ पर कैशू नट से गार्निश कर दिया है। और आपके पास अगर पिस्ता अवेलेबल है या किशमिश आप अगर डालना चाहते हैं आप वो उससे भी गार्निश कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर फिर इलायची पाउडर से भी गार्निश कर दिया है, क्योंकि टेस्टी और सुगंधित भी तो होता है गाजर का हलवे, तो इसमें इलायची पाउडर ज़रूर डालें। देखा आपने झटपट से ये मैंने कैसे गाजर का हलवा को कुकर में बना करके तैयार कर दिया है। तो अब आप भी बनाइए इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया है आपको गाजर का हलवा बनाना, जिस तरीके से बताया है इस तरीके से बनाने से क्या होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और मेहनत भी बच जाएगा गाजर का हलवा बनाने से।
तो आप घंटों के मेहनत से बच जाएंगे। अब तो ये रेडी हो चुका है, तो अब मैं इसे झटपट से इसको सर्व कर लेती हूँ सर्विंग बाउल में। ये लीजिए, मैंने अब इसे सर्व कर लिया है, सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब देखिए कितना लाजवाब लग रहा है ना, टेस्टी लग रहा है। और जब इसे आप खाएंगे और मुंह में देखिए पानी आ रहा है ना, जब इसे आप खाएंगे तो कितना टेस्टी लगेगा। इसे देखते ही तो मेरे मुंह में पानी आने लगा, और आप बताइए कि आपके मुंह में भी पानी आ रहा है कि नहीं इसे देखते। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और मुझे भी अपने अनुभव शेयर कीजिए कि आपने जब बनाई तो किस तरीके से बन करके तैयार हुई। और मुझसे भी अच्छी अगर बनाई हुई है आपने रेसिपी ये पहले से आप जानते थे तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। आपको मेरे चैनल पे इसी तरीके की इंस्टेंट और झटपट से बन करके तैयार होने वाली रेसिपी मिलेगी। तो इसी तरीके की न्यू रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ।